का डिजाइन बनाना बताऊंगी। इसमें हमने गोल गले के साथ ये कोटी स्टाइल में लेस को लगाया है। ये हमने लेस हैंड स्टिच की है, ये देखें। और यहाँ पर हमने दामन में कटवर्क के साथ टिशू का एडिशन किया है। ये हमने टिशू का कपड़ा इधर नीचे लगाया है। और इसके साथ हमने ये देखें इनर स्लीव्स के साथ ओपन स्लीव्स बनाई है ऑटर की। इसमें हमने इनर स्लीव्स के साथ अपर ओपन स्लीव्स बनाई है। चलिए स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स। ये देखें हमने बुकरम ले लिया है, इसको हमने इस तरह से फोल्ड करके रख लेंगे। अब हमने यहाँ पर निशान लगाया है 2 इंच पर, और 1/4 इंच पर हमने एक और लाइन लगा ली। ये मैंने स्केल से लाइन लगा ली इस तरह से। यहाँ से हम चौड़ाई में हम निशान लगाएंगे। उन्हें 2 इंच पे हम निशान लगाएंगे। ये देखें ये 2 इंच से हमारी 1 सेंटी कम है। यहाँ पर हम देखने हिसाब से निशान लगा रहे हैं। ये मैंने फोल्ड करके रखा हुआ है। यहां से हम इसकी गोलाई करेंगे। जो निशान हमने लगाए थे इसको इससे मिलाते जाएंगे, मिलाई करेंगे इसको। यहाँ तक लगा के हमने इसको इस तरह से, ये डबल है हमारा, और हम इसको दोनों को इसी तरह एक दूसरे के ऊपर कटिंग करेंगे। दोनों हिस्सों को पकड़ के ये एक्स्ट्रा था वो मैंने कटिंग कर दिया। थोड़ा सा फासला रख के अब मैं इन कट्स के ऊपर गोलाई करती जाऊंगी। व्यूअर्स ये हमने कट्स वाली पट्टी को इस तरह से कटिंग कर लिए जो निशान हमने लगाए थे इस पर। और अब इसे हम, ये हमारी शर्ट का फ्रंट का हिस्सा है, इस पर हम इस तरह से सिलाई का मार्जिन रखकर इसको इस तरह से चिपका लेंगे। ये पट्टी हमने इस पर लगा ली है शर्ट के फ्रंट के दामन पर। अब हमने ये जो 3 इंच की पट्टी काटी है इसको हम नीचे रखकर इस तरह से इसके बिल्कुल हम साथ साथ सिलाई लगाएंगे। इसके ऊपर नहीं आनी चाहिए हमारी सिलाई, तो ये हमारे कट जो हैं ये सफाई से नहीं निकलेंगे। Thank you.
आहिस्ते आहिस्ते इसकी तरफ घुमाते जाएं, और मशीन आपने तेज़ी में नहीं चलानी तो इससे आपके कट रख जाएं वो ख़राब हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा छोड़कर कपड़े को, ये देखिए इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करेंगे। यहाँ दरमियान में ये जो हमारे निशान है यहाँ पर, यहाँ तक हम सिलाई से थोड़ा सा पीछे कट लगाएंगे, यहाँ पर भी एक दो छोटे छोटे से कट लगाएंगे। सिलाई से पीछे लगाना है आपने कट। अब इस कपड़े को हम इस तरह से नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे। व्यूअर्स ये देखिए हमने इस कपड़े को इस तरह से नीचे करके इसे हमने प्रेस कर लिया, ये हमारे कट्स नीचे से बन गए। अब हमने ये आजकल टिश्यू का कपड़ा बहुत चल रहा है फैशन में इन है, तो ये हमने टिश्यू का कपड़ा लिया है 6 इंच का, इसकी लंबाई 6 इंच है। तो इसे हमने इस तरह से फोल्ड करके यहाँ से सिलाई लगा कर इसको बंद करेंगे। इसे फोल्ड कर लेंगे। व्यूअर्स ये देखें टिश्यू का जो ये हमने कपड़ा लिया था 6 इंच का, इसे हमने सिलाई लगा कर सीधा कर लिया है, फोल्ड करके इसके इसे हमने तैयार कर लिया है। तो अब ये इसके ऊपर हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ से हमारी इतना यहाँ पर इसकी सिलाई लगाएंगे। देखें इस तरह से ये हमारा दामन बन गया। अब हम बाजू तैयार करेंगे। व्यूअर्स ये देखें ये हमारे पास बाजू हैं, इसकी हम कटिंग करेंगे। चौड़ाई हमने इसकी इसकी हमें चाहिए, इसकी 9 इंच चौड़ाई है। यहाँ से हमने जो है इसकी लंबाई रखी है 23 इंच, बाजू की लंबाई हमारी 23 इंच है। यहाँ हम कंधे की निशान लगाएंगे।
इसके लिए हमने दो पीसों को, ये देखिए इस तरह से ये चार फोल्ड है हमारे डबल में, ये देखिए ये एक बाजू है ये और ये दूसरा है, इसका हम निशान लगाएंगे बाजू का। बाजू का हमने निशान लगा लिए और यहाँ से आगे से हमने ये थोड़े बाजू हमने जो है फिटिंग में रखने हैं, इसके हम यहाँ से 5 इंच ले लेंगे और इस लाइन को इसके साथ इस तरह से। अब हम इस निशान पर कटिंग करेंगे। दरमियान में हमने कट के निशान लगाए, ये हमारे एक बाजू की कटिंग होगी। एक साइड ये हमने इस तरह से बाजू बना लिए दोनों बाजू। अब हमने इतने ही साइज में इतनी ही लंबाई में दो पीस और लेने हैं, इसी तरह इसकी चौड़ाई हमने रखनी है। साढ़े 9 इंच इसकी चौड़ाई है, लंबाई हम सेम उसी नाप में रखेंगे जो बाजू हमारे थे, ये देखें सेम यही नाप है। इसमें हम डबल बाजू बनाएंगे, ये इसके ऊपर आएंगे बाजू की, यहाँ से कटिंग हमारी इसी के ऊपर आएगी, इसके साथ साथ हम कटिंग कर लेंगे। और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाले दोनों बाजू हमने अलहदा से रख लेने, ये जो दो पीस हमने अलहदा से इसके साथ निशान की ये कटिंग की थी, यहाँ से हमारा ये हिस्सा पूरा इसी तरह आएगा। अगला हिस्सा ये जो हमारे बाजू की चौड़ाई इसकी थी 9 इंच, यहाँ से हमने इसको हल्का सा इस तरह से अम्ब्रेला कटिंग में निशान लगाना है। अब इस निशान पर हम कटिंग करेंगे। ये देखें ये बाजू और ये जो हमने पहले कटिंग किए थे, इस तरह से ये हमने दो तरह से बाजू कटिंग कर ली है। अब हम ये वाले बाजू की जो है दरमियान से अलहदा करेंगे। दोनों बाजुओं को हम दरमियान से अलहदा कर देंगे। ये देखिए ये हमारा इस तरह से आएगा। ये इसके ऊपर और ये दूसरी साइड पर, ये बाजू यहां से हमारा बंद होगा और ये दोनों साइडें इस तरह से हम खुली रखेंगे। व्यूवर्स ये जो बाजू था हमारा जिसे हमने दरमियान से अलहदा नहीं किया था, इस पीस को हम यहां से फोल्ड करेंगे। इस लेस को हम सुई से लगाएंगे। व्यूअर्स ये देखें ये हमने इसके ऊपर लेस को हैंड स्टिच कर लिया है, ये मोती वाली लेस थी इसलिए इससे सुई के से हमने काम किया इस पर। अब हम इसके साथ जो हमने दो पीस कटिंग किए थे ये वाले,
एक पीस ये और एक पीस ये, जिसे हमने बीच में से अलहदा किया था, इसको हम यहाँ से मोड़ेंगे और यहाँ तक लाकर यहाँ से यहाँ तक मोड़ेंगे इसको। किनारे पे आकर इस तरह से फोल्ड करिए। ये हम एक सिलाई लगा रहे हैं क्योंकि इस पर भी हमने लेस को लगाना है। ये देखिए इस तरह से, इसी तरह से इस तरह दूसरा पीस भी हम सिलाई करेंगे। ये हमारा दूसरा पीस है जो इसके अपोजिट आएगा, इसे भी हम यहाँ से इस तरह से मोड़ेंगे। ये देखिए दोनों पीसों को हमने, ये हमारा जो बाजू था और ये दो साइड जो है हमारी बन गई है इस तरह से। देखिए ये देखिए ये इस तरह से ये अलग से रहेंगी। इस तरह से ये खुली होंगी। अब हमने इसके ऊपर भी इस तरह से लेस को व्यूअर्स ये देखें इस तरह से इस पीस पे इसको हमने फोल्ड किया था, इस पर इसको लेस को हैंड स्टिच करेंगे यहाँ किनारे पे आकर इसे मोड़ के इस तरह। इसी तरह इसके ये सामने वाले पीस पर भी दोनों पीसों पर हमने लेस को हैंड स्टिच करेंगे। व्यूअर्स ये देखें लेस हमने हैंड स्टिच कर लिए इस तरह से। ये हमारा नीचे वाला बाजू है और ये जो हमने दो पीस थे जिन्हें हमने अलहदा किया था इन दोनों पर हमने देखें, ये हमारा पहले बाजू था जिसको हम पर हमने इस तरह से लेस लगाई थी और ये जो दो पीस हमने तैयार किए हैं इनको हम अलहदा अलहदा स्टिच करेंगे। पहले हम इस बाजू को स्टिच करेंगे। व्यूअर्स ये देखें हमने बाजू की ये सिलाई लगा ली और इसके साथ के जो ये दो पीस थे हमारे, इसी बाजू के ये जो दो पीस थे हमारे, इसे भी हम यूं उल्टा रखकर इस साइड से हम अटैच करेंगे। ये हमारी अम्ब्रेला शेप में है और ये हमारे सादे बाजू हैं, ये इसके ऊपर आएंगे। ये दोनों को हमने अलहदा अलहदा से वो करना है, ये सिर्फ यहाँ से जॉइंट होंगे, कंधे से जॉइंट होंगे। ये हमने ये देखना है यहाँ से बराबर करके हमारे ये यहाँ तक हमारे ये बराबर होने चाहिए। यहाँ से निशान लगाएंगे हम, कट का निशान लगा लिया हमने। अब हमने ये सिलाई लगानी है यहाँ पर। यहाँ से अटैच कर लिया। अब ये जो हमने बाजू बनाया था
ये दरमियान में इस तरह से आएगा और ये इसके ऊपर आएगा। ये दोनों बाजुओं को हमने यहाँ से शर्ट के साथ जोड़ना है। ये हमारी शर्ट है, इसके साथ हम बाजू जोड़ेंगे। यहाँ से हमने दोनों बाजुओं का ये हिस्सा जो है इस तरह से, यहाँ से शुरू करेंगे सिलाई। ये दोनों बाजुओं के पीसों को और ये शर्ट को इन तीनों पीस को हमने बराबर करते जाना है। ये हमारे सेंटर में आना चाहिए दोनों पीस। बाजू को हमने अटैच कर लिया शर्ट के साथ। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा लेस के दोनों हैं जो इससे ये सेंटर में आएंगे इस तरह से। ये हमारा बाजू है। यहाँ पर हम थोड़े थोड़े फासले पर इसको टांगेंगे। ये देखिए बाजू हमारा कंप्लीट हो गया। ये दोनों साइडें इस तरह से अलग होंगी और ये जो हिस्सा है ये हमारा, इसे हम हैंड स्टिच कर लेंगे, तुरपाई कर लेंगे ताकि ये सिलाई जो है ये रफ कपड़ा जो है ये नज़र ना आए। यहाँ से हम इसकी तुरपाई कर लेंगे।